प्रतिभा को मिला पुरस्कार, बुजुर्गों को मिला सम्मान। अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत अग्रवन में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह। बल्केश्वर क्षेत्र की सर्वाधिक उम्र 92 वर्ष की अंगूरी देवी बंसल व 86 वर्ष के पुरुषोत्तम दास अग्रवाल को अग्रमाता पिता के रूप में मुकुट व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं हाई स्कूल व इंटर के मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा अग्रवन में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुरारीलाल गोयल, गिरीश चंद बंसल, राम प्रकाश अग्रवाल, पवन बंसल, सुनील अग्रवाल, राजू अग्रवाल, अनिल कुमार गोयल ने सम्मिलित रूप से किया। अतिथियों का स्वागत मार्गदर्शक वीके अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर आमंत्रण यात्रा व अग्रसेन जयंती शोभायात्रा का स्वागत करने वाले परिवारीजनों को भी सम्मानित किया गया। अध्यक्षता मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने की। भगवान महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5146वीं जयंती के शुभ अवसर पर अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा आज यहाँ परंपरागत अपना ये भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जिसमें आज एक कार्यक्रम में अग्र माता पिता का सम्मान 94 वर्ष की माता का जो कि अग्र माता के रूप में और अग्र पिता का जो सम्मान आज यहाँ किया गया है। यहाँ पूरे क्षेत्र की आगरा शहर की समस्त मातृशक्ति और सामाजिक बंधु यहाँ उपस्थित थे, क्योंकि भगवान महाराजा अग्रसेन जी की जो विचारधारा थी, जो संदेश था, वहाँ गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, सभी की मदद करना, एक ही एक रुपए का संदेश उन्होंने पूरे विश्व में दिया, जिससे कि हर वर्ग के हर व्यक्ति की मदद हो सके और उसका सपना साकार हो सके, ये भगवान महाराजा अग्रसेन जी का संदेश था। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रबंधु समन्वय समिति, आज अग्रबंधु समन्वय समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम के अंदर जो है हम सम्मान समारोह करते हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के माता पिता का सम्मान करते हैं, अग्रभूषण का भी सम्मान करते हैं, जो सब शहर में सबसे ज़्यादा जो सामाजिक काम किए उसका भी सम्मान इस मंच से हम करते हैं। और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने बच्चों ने हाईस्कूल के बाद फर्स्ट डिविजन 80% नंबर प्राप्त किए हैं CBSE में और बोर्ड में, सबके सब बच्चों को हम जो यहाँ से इस मंच से इनाम देते हैं, शहर को एक मैसेज देते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम समाज के माध्यम से जो सेवा करते हैं लोगों की, वो आप लोग आकर देखें। हम गरीब बच्चों की शादी करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ कलेक्शन करके उसमें खर्च करते हैं उनके लिए। इस मंच के माध्यम से हम समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जो समाज के अंदर विघटन पैदा हो रहा है परिवारों में, उसको दूर करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा हम यहाँ से निर्णय लेके जाएंगे।